नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। दोस्तों आज मैं आपको एक लौंग और एक सिक्के का अचूक प्रयोग देने वाला हूं। 100% ही वर्क करता है। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा दोस्तों कि आप लोग ये प्रयोग करना क्यों चाहते हैं। आप इस प्रयोग को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं या फिर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं? मनोकामना और इच्छा, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। मनोकामना क्या होती है? आपकी कोई एक पर्टिकुलर कोई विषय है। सपोज कि आपका कोई एग्जाम है, उस एग्जाम में आप पास होना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई जॉब है, आप नौकरी पाना चाहते हैं, शादी विवाह से संबंधित कोई परेशानी है, शादी हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, घर में हमेशा पैसों का प्रवाह बना रहे, ये मनोकामना हो गई कि घर में कभी पैसे की दिक्कत ना हो, आर्थिक तंगी ना हो, आर्थिक स्थिति से हम मजबूत रहें, हम जो भी अपनी हमारी जो घर में जो परेशानियां लग रही थी इनसे हम दूर रहें, जो भी चीजें हमारे घर में चल रही वो अच्छे से चलती रहे, ये मनोकामनाएं हो गई। इच्छा क्या हो गई? इच्छा ये होती है कि मेरे पास में जितना आ रहा है या जितना है मेरे पास में, अब और भी आ जाए। सपोज मेरे पास में बाइक है, अब उससे अच्छी बाइक आ जाएगी, बाइक आपके पास में है, गाड़ी है, अब मेरे पास में कार आ जाए, घर है, मेरे पास में बंगला आ जाए, मेरे पास में 1,000 रुपए है, मेरे पास में 50,000 रुपए आ जाए, ये इच्छाएं हो जाती हैं। तो इच्छाएं जो होती हैं कभी मरती नहीं है। और मैं जो प्रयोग बता रहा हूं ये इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है, ये मनोकामना पूर्ति के लिए है। आपकी अगर मनोकामना है कि आपकी जिंदगी में बरकत बनी रहे, आपको कभी भी कभी हार का सामना ना करना पड़े, कभी भी किसी कार्य में आपको असफलता ना मिले, हर कार्य में सफलता मिले, कभी भी पैसों से संबंधित कोई दिक्कत ना आए, कर्ज की समस्या दूर हो जाए। काफी लोग मुझे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं कर्ज की समस्या है, पैसे नहीं रुकते हैं, बीमारी घर करी रहती है। तो इन सब चीजों के लिए दोस्तों ये मैं उपाय बता रहा हूं, इस प्रयोग को आपको करना है। प्रयोग दोस्तों छोटा है, लेकिन इस प्रयोग को आपको कंटिन्यू 11 दिन तक करना है। अगर वैसे तो स्त्री पुरुष कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महिलाएं अगर कर रही तो नापाकी वाले दिन में ना करें। ऐसा दिन चूज कर लें कि आपकी 11 दिन कंप्लीट हो जाए, नापाकी वाले दिन ना आ पाए। दोस्तों इस प्रयोग को, प्रयोग बताने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, अपनी दैनिक पूजा, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, कभी कोई परेशानी ना, एक ग्रह क्लेश ना हो, तो अपने घर में डेली बेस पर आप एक हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। आप डेली पूजा नहीं करते हैं, एक फोटो स्थापित कर दीजिए, जिस घर में हनुमान जी होते हैं समस्त देवी देवताओं का वास उस घर में हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हनुमान जी में वो ताकत है कि समस्त देवी देवताओं ने उनको वरदान दिया हुआ है। वो यदि घर में विराजमान है तो समस्त देवी देवताओं की शक्तियां घर में विराजमान हो जाती है, कोई भी परेशानी मुड़ करके वापस घर में देखती नहीं है, कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। तो इस प्रयोग को दोस्तों आपको करना है मंगलवार के दिन में, और अपनी एक मनोकामना रख लें कि मेरी ये मनोकामना है। इस मनोकामना को रखते हुए मंगलवार के दिन में क्या करना है आपको, सुबह में। लेकिन दोस्तों इस प्रयोग में एक बात का और अच्छे से ध्यान दें कि इस प्रयोग को आप जब करेंगे तो एक टाइम पे ही करना है। अगर आप सुबह 6 बजे अगर बैठे हैं तो 11 दिन तक आपको 6 बजे करना है। अगर आप 7 बजे बैठे हैं तो 11 दिन तक 7 बजे करेंगे। मतलब कि जिस टाइम पे कर रहे हैं डेली, आपको उसी टाइम पे इस प्रयोग को 11 दिन तक करना है, ठीक है? तो यहां पर जरूरत पड़ेगी आपको एक लोटे की, अगर तांबे का लोटा है, स्टील का लोटा है, जो भी लोटा है आपके पास में ले लें, और पूजा स्थान में बैठ जाएं, वहां पर हनुमान जी की फोटो जरूर रखें, एक छोटी राम जी के साथ में अगर हनुमान जी की फोटो है तो और अच्छी बात है, क्योंकि राम जी खुद सेवक हैं, तो राम जी सॉरी दोस्तों हनुमान जी खुद सेवक हैं, तो हनुमान जी की सेवा करते हुए यदि फोटो स्थापित करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। राम दरबार के साथ में हनुमान जी की फोटो रख लें, और एक लोहे जो भी पात्र हो आपका, तांबे का हो, स्टील का हो, लोटे का, उसमें जल भर लें, एक फूल वाली अखंडित लौंग उसमें डाल दें और एक सिक्का डाल दें, ठीक है? हनुमान जी की पूजा कर लें। अब वहां पर आपको क्या करना है, 3 बार आपको वहीं पर बैठे बैठे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 3 बार, ठीक है? आपने मंगलवार से शुरू करना है, सुबह में करना है, 3 बार मंगलवार 3 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे आप। पाठ करने के बाद में जो लोटा जो रहेगा आपका जल का, वो वहीं रखा रहेगा, वहां से आपको हटाना नहीं है। दूसरे दिन फिर उसी टाइम पे, अब वहीं पर 3 बार फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे,
ऐसे करते करते आपके 11 दिन पूरे होते हैं, तो ये तीन तीन जब काउंट करेंगे आप हनुमान चालीसा, तो 33 बार आपका हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वो जल जो होगा उसमें पूर्ण रूप से हनुमान जी की शक्ति समाहित हो जाएगी, वो जल जो होगा सिद्ध हो जाएगा। अब इस जल को आपको क्या करना है, जैसे कि आज आपका क्या हुआ, 11वां दिन कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो ये 11वां दिन कंप्लीट होता है तो आपको अपने घर में आपको जो जल जो आपने लिया हुआ था, आपको जो मेन डोर होगा उसमें थोड़ा सा छिड़क दें, थोड़ा सा, और ऐसे करते हुए पूरे घर में छिड़काए, पूरे घर के कोनों कोनों में छिड़क दें। लेकिन याद रहे कि जहां से शुरू किया है वापस वही नहीं आएंगे, आपने जहां से जल छिड़कना शुरू किया वापस वही नहीं लौटना है कि आपने जल छिड़क के वापस वही फिर से पहुंच गए, ये नहीं करना है आपको, वहां से थोड़ा दूरी बनाए रखेंगे। ये जल आपका सिद्ध हो गया, अपने घर में पूरा आपने छिड़क दिया। अब आपको क्या करना है, ये जल आपके पास में जो सिद्ध जल रखा हुआ है, आपका यदि व्यापार है, आपकी कोई नौकरी है, आपका कोई व्यवसाय कुछ भी है, वहां पर जाते हुए आपको थोड़ा सा वो जल हाथ में लेकर के पी लेना है। अगर आपका व्यापार है तो आपको व्यापार नहीं चल रहा है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, उस जल को पीते हुए आपको हनुमान जी से विनती करना है मेरा व्यापार अच्छा चलने लगे। आपकी जॉब है, नौकरी है, वहां पर प्रमोशन नहीं हो रहा है, मान सम्मान नहीं है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो ये मनोकामना बोलते हुए जल पी करके अपने जॉब के लिए निकल जाए, नौकरी के लिए 100% आपका वो काम होगा। आपको 3 से 4 दिन में देखेंगे कि आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये कर लीजिए आप, कोई भी काम है, शादी विवाह के लिए जा रहे हैं वहां पे दिक्कतें आ रही हैं, वो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। कोई बीमार है घर में उसको जल पिला दीजिए हनुमान जी से विनती करके कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, इस प्रयोग को करके देखिए। कोई भी परेशानी है इस जल को पीजिए आप। अब आपको ऐसा लगता है कि जल काफी दिन का हो गया, अब इसको अलग करना है, ठीक है, 4, 5, 6, 7 दिन, 8 दिन, 11 दिन आपने यूज कर लिया, अब इस जल को अलग करना है, अब दूसरा जल आपको सिद्ध करना है, ठीक है। ज्यादा दिन तक आप एक ही लोटे को जल को यूज नहीं कर सकते हैं, तो आपको अलग सिद्ध करना पड़ेगा दोबारा से। तो जैसे आपको लगता है कि इस जल को अलग करना है, तो आपको इस जल को अलग कैसे करना है, आपका जो मेन डोर जो होगा गेट, उस पर आपको इस जल को ऐसे बहा देना है कि आपकी ये क्या होगी, लक्ष्मण रेखा खिंच जाएगी घर में, मेन डोर से ऐसे करके आप ऐसे और उसमें जल को लक्ष्मण रेखा खींच देंगे, ये आपका घर पूरा बंद जाएगा, लक्ष्मण रेखा खिंच जाएगी, कोई भी परेशानी कभी आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगी। अब इसमें बचिए सिक्का और लौंग, तो ये आपको लक्ष्मी जी को आगमन का एक मार्ग प्रशस्त कर देगा, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन शुरू कर देगा। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें इस लौंग को, इस सिक्के को लाल कपड़े में बांध दीजिए, बांध करके आपकी ज्वेलरी है, जहां पैसे रखते हैं, जहां से आपका पैसे का आगमन होता है और आपका जो जहां से पैसे आप खर्च करते हैं, जहां रखते हैं, जहां से पैसे आप यूज करते हैं, निकालते हैं खर्च करने के लिए, निकालते हैं पैसा आता है तो जहां रख देते हैं वहां पर यूज करें, इसको वहां पर रख दें, हमेशा घर में धन की बरकत बनी रहेगी, जितना भी पैसा खर्च होगा दुगना वापस आएगा, आकर्षण होगा पैसे का, आकर्षित करेगा पैसे को। जब भी प्रयोग करते हैं दोबारा से इस प्रयोग को कर लीजिए, फिर जैसे लौंग बचती तो उसको छोटे से कपड़े में बांध करके फिर वहां रख दीजिए। आप चाहे तो जितने बार चाहे, बस जल का आपको ध्यान देना है कि कोई भी काम के लिए जाते हैं तो एक जल आपका एक लोटा घर में हमेशा विद्यमान रहे, इस जल को हमेशा आपको घर में रखना है। जल खराब हो रहा है उसको अपने मेन डोर में डाल दिया लक्ष्मण रेखा खींच के, फिर नया जल सिद्ध कर लें। दोस्तों ये प्रयोग बहुत ही खास और जबरदस्त प्रयोग है, और हनुमान जी की पूजा दैनिक रूप से अपने घर में करिए, आपको पूरे समस्त देवी देवताओं का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, कोई भी परेशानी आपके घर में ना आएगी। व्यापार है, बच्चों की शादी है, कोई भी कार्य में सफलता नहीं है, हर कार्य में विघ्न आते रहते हैं, सारी परेशानियां चुटकियों में दूर होंगी। हनुमान जी को घर में स्थापित करिए, पूजा करिए, सर्वशक्तिमान है, सारी नकारात्मक ऊर्जा को हर लेंगे, सारी परेशानियां आपकी दूर कर देंगे। दोस्तों मेरा हमेशा से उद्देश्य रहता है कि आप लोगों को मैं ऐसे कुछ प्रयोग दूं, ऐसे रेमेडीज दूं जिसके द्वारा आपकी जिंदगी में जो परेशानियां चल रही हैं ये परेशानियों से मुक्त रहें, आप लोग हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। तो दोस्तों जो मैं उपाय बताता हूं इनको पूरे श्रद्धा से विश्वास से करिए। एक ही वीडियो दोस्तों काफी लोग तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसलिए मैं काफी ऐसे वीडियो बनाता रहता हूं धन प्राप्ति के लिए, ऋण मुक्ति के लिए। आप लोग चैनल पर चेकआउट करिए, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं और इतने पावरफुल वीडियो है, अगर पूरे श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो आप देखेंगे, कमेंट्स में आप देखिए कि लोगों को एक एक दिन में रिजल्ट मिला है। लोगों को रिजल्ट इसलिए मिल जाता है दोस्तों पूरी श्रद्धा से करते हैं, पूरे विश्वास से करते हैं, फेथ रखते हैं कि मेरा काम बनेगा। आप लोग भी ऐसे विश्वास से करिए, और ये प्रयोग तो दोस्तों इतना पावरफुल है कि आपको बस 11 मंगलवार 11 दिन तक आप कर लीजिए, उसके बाद में देखिए। बस शुरुआत आपको मंगलवार से करनी है और एक ही टाइम पे करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और कोई भी कार्य के लिए जाते हैं तो इस जल का आचमन करके जाइए, फिर देखिए कमाल, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, कभी कोई रुकावट आ ही नहीं सकती।
हनुमान जी आपके सामने आपके रक्षक बनके खड़े रहेंगे। हनुमान जी की चौपाई का हमेशा जाप करिए, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। बस ये उनके सामने बोलते रहिए, फिर देखिए उनका कमाल। कोई कार्य उनका कठिन नहीं है, उनको करने के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है उनके लिए। सारी दुनिया के काम जो है कार्य है वो सहज कर देते हैं। बस विश्वास रखिए हनुमान जी पे, जय श्री राम का नारा लगाइए। तो दोस्तों ये प्रयोग करिए हमेशा, और अपने घर में खुशहाली को आमंत्रित करिए और हमेशा खुश रहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।